कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग ऑफ मेटल बॉडीज। अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी लार्ज बॉडी। आप रेडियस देख सकते हैं अर्थ का कितना है, 6400 किलोमीटर। इफ सम चार्ज इज सप्लाइड टू अर्थ, इट्स पोटेंशियल विल चेंज नेग्लिजिबली। पोटेंशियल हम क्या लिखते हैं, के क्यू बाय आर। नो द आर इज सो लार्ज दैट दिस टर्म इज ऑलमोस्ट जीरो एंड इट्स अ कॉन्स्टेंट। सो अर्थ की पोटेंशियल जीरो इसलिए मानी गई है बिकॉज द रेडियस ऑफ द अर्थ इज वेरी लार्ज। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। देखिए ये रेडियस लार्ज है इज कंपेयर टू द बॉडी, टू द चार्ज बॉडी, ठीक है। तो उसके बारे में लिख रहे हैं, मतलब अर्थ बहुत बड़ी है, कोई भी चीज़ बड़ी या छोटी कंपेरेबल वर्ड है ये। तो जो बॉडी हम चार्ज बॉडी की बात कर रहे हैं अर्थ के सामने, उसके सामने अर्थ का रेडियस बहुत ज़्यादा है, ध्यान रखें इस बात का। तो अगर किसी छोटी बॉडी से अर्थ में चार्ज जाएगा भी तो पोटेंशियल जीरो की जीरो ही रहेगी, बदल नहीं जाएगी। अगर किसी छोटी बॉडी है, मतलब हमने किसी बॉडी को जब अर्थ से कनेक्ट करते हैं, अर्थ से कनेक्ट करते हैं, या तो अर्थ से चार्ज जाए या बॉडी से चार्ज अर्थ में आए, दोनों ही सूरतों में, क्योंकि बॉडी बहुत छोटी है अर्थ के सामने, जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो नेग्लिजिबल होगा और जीरो को चेंज नहीं कर पाएगा। तो इसी को हम लिखने जा रहे हैं, वेन एवर लिखने का ऐसे आप मतलब दैट इज द रीजन बिहाइंड नेग्लिजिबल। आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट, ऑलरेडी रिटन इट। दैट इज द रीजन बिहाइंड वाई द वाई द पोटेंशियल ऑफ द अर्थ डज नॉट चेंज इन रिमेन जीरो। एनी वेज नोट, वेन एवर अ मेटल बॉडी is connected to earth it exchanges charge with earth। ये तो होता है क्योंकि जो बॉडी इस पे चार्ज है उस पर तो पोटेंशियल है, और अर्थ की पोटेंशियल तो उसके हाई रेडियस की वजह से ऑलरेडी जीरो है, तो चार्ज तो ट्रांसफर एक्सचेंज होगा। सो इट एक्सचेंजेस चार्ज विथ अर्थ। कब तक होगा, जब तक दोनों की पोटेंशियल सेम ना हो जाए, और अर्थ की पोटेंशियल तो जीरो है, बदलती नहीं, क्योंकि साइज जो बाकी बॉडीज का है वो अर्थ के सामने बहुत छोटा है। तो उस पर जो चार्ज होगा वो अर्थ में जाने से, अर्थ के चार्ज में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आ पाएंगे, ठीक है, और ओवरऑल पोटेंशियल भी ज़्यादा में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। सो इट इज गोइंग टू बी वॉट दैट द बॉडी विच इज कनेक्टेड टू अर्थ उसकी पोटेंशियल जीरो हो जाएगी, ठीक है, विथ अर्थ टिल इट्स फाइनल पोटेंशियल बिकम इक्वल टू अर्थ पोटेंशियल विच इज जीरो। तो मान लीजिए कोई बॉडी आपने ले ली और वो चार्ज थी, तो इसकी वी तो पॉजिटिव होगी, चार्ज भी पॉजिटिव है, स्विच लगा दी और आपने अर्थ कर दिया। जैसे ही स्विच बंद करोगे आप दो सूरतों में बोल सकते हो, पॉजिटिव चार्ज कभी ट्रैवल नहीं करता, नेगेटिव चार्ज ही करता है। तो मर्जी आपकी है, आप चाहे तो नेगेटिव ट्रांसफर बोल लो चाहे पॉजिटिव। तो हम कहेंगे ऑल द पॉजिटिव चार्ज फ्लोज टू द अर्थ टिल दिस वी डज नॉट चेंज टू जीरो। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट अबाउट अर्थिंग एंड हाउ इट वर्क्स, एंड व्हेन वी अर्थ अ बॉडी व्हाट हैपेंस, इट्स पोटेंशियल बिकम्स जीरो and also the final charge has become zero।